आज हम काफ़ी बढ़िया एलोवेरा का साबुन बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा की थोड़ी सी मोटी वाली थिक वाली जो पत्तियाँ रहती है उनका यूज़ करा। इससे जेल जो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। इसे आप खड़ा कर कर 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए किसी भी ग्लास के अंदर। धोने के बाद इसे मैंने रखा था, इतना सारा इसका ये लिक्विड निकला। हमें इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसे आप साइड में रख दीजिए। पत्तियों को जो कांटा वाला पार्ट रहता है इसे आप काट लीजिए। काटने के बाद नीचे का जो वाइट पार्ट रहता है इसे भी आप काट लीजिए। इसका जेल जो सारा चम्मच या चाकू की मदद से निकाल लीजिए। इसे आप नाप लीजिए। मैंने आधा कप ये फ्रेश जेल लिया। मिक्सी का जार ले लीजिए, सारा जेल आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसे अच्छे से आपको ग्राइंड करना है। इसमें अगर ग्रीन पार्ट जाता है तो सब छन्नी से छान सकते हैं, मेरे इसमें नहीं था। कुछ था तो मैंने चम्मच से ही इसे निकाल दिया। पूरा आधा कप हमारा पीसने के बाद भी है। आपको आधा कप जेल ज़रूरी है लेना, नहीं है तो फिर 1/4 कप भी आप ले सकते हैं, लेकिन आधा कप से रिजल्ट जो साबुन का काफ़ी बढ़िया आता है। इसके बाद हम लेंगे सोप बेस। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, आप चाहें तो मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं, सिंपल रहता है। 1 कप मैंने सोप बेस लिया है। मैंने ग्रिसलिन और नारियल वाला जो सोप बेस आता है, सिंपल, बिना कलर बिना फ्लेवर के, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई इसकी खुशबू नहीं है। डबल बॉयलर वाले मेथड से इसे आपको मेल्ट करना है। इसे आप गर्म पानी में रख दीजिए। गैस को बिल्कुल स्लो करके रखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे आप अच्छे से मिक्स करते जाइए। मिक्स करते हुए इसे आपको पूरा मेल्ट करना है। इसे हमें डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना है। इसी तरह से डबल बॉयलर की मेथड से ही इसे हमें पूरा मेल्ट करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये पूरा इस तरह से चलाते जाएंगे तो इसे मेल्ट होने में कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पूरा मेल्ट हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेल्ट पूरा करना है आपको। अगर कुछ पीस बड़े रह जाएंगे तो वो बाद में मेल्ट नहीं होंगे। इसे कुछ देर हम ऊपर नीचे करके थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल 1 से 2 मिनट। उसके बाद मैंने ये सारा जो जेल हमने पीस के रखा था एलोवेरा का, इसे आप इसी के अंदर डाल दीजिए। अच्छे से इसे ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो जेल जो हमारा अलग अलग नहीं होगा। साबुन के साथ में जेल जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस ऊपर नीचे करते रहिए तो थोड़ा सा ठंडा होगा, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठंडा में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही ठंडा करना है। मैंने ये मोल्ड लिया है, मोल्ड के अंदर सारे आप इस तरह से भर दीजिए। इसे आपको गरम गरम ही डालना है, पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इसे आपको नहीं डालना है। अगर आपके पास इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी के अंदर जमा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आप नारियल का तेल जो है हल्का सा ग्रीस कर दीजिए ताकि उसमें चिकनाई आ जाएगी तो वो बिल्कुल आसानी से हमारा निकल जाएगा। देखिए इतने में मेरे 3 साबुन ये बन के तैयार होंगे। इसे आपको ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। आपको इसको फ्रीज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा ये है ऐसा कैसा आप इसे रात भर छोड़ दीजिए, काफ़ी अच्छे से जम जाएगा। मैंने भी इसे पूरा ओवरनाइट ही छोड़ा था। ये देखिए काफ़ी अच्छे से जम चुका है, सेट हो चुका है। बस इसे हम हल्का सा नीचे से ऊपर करेंगे, साबुन जो हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया, कलर भी बिल्कुल नेचुरल कलर आया है इसका हमारा। हमने कोई कलर वाली इसमें चीज़ें यूज़ नहीं करी है। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम साबुन बना रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी नारियल का तेल है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसमें ये सब चीज़ें डालने की। सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारा जो साबुन है बिल्कुल बढ़िया, मार्केट से भी अच्छा साबुन हमारा बन के तैयार हो गया है। साबुन को आपको यूज़ किस तरह से करना है वो तरीका बता रही हूँ। आप साबुन ले लीजिए, इसी के अंदर आप थोड़ा सा पानी लगाइए। जिस तरह से हम नॉर्मल साबुन को यूज़ करते हैं बस उसी तरीके से आपको इसे भी यूज़ करना है। हल्का सा मैंने इसे रब करा है, आप इसे हाथों से मसलेंगे। देखिए कितने बढ़िया और कितने सारे इसमें से झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इसे आप धोएंगे तो आपको आपकी स्किन जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी। इसे मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे साबुन बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हैं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे यूज़ करने में। ये देखिए कलर भी नेचुरल कलर आया है। ग्रीन कलर आपके ऑप्शन है, आप चाहे तो इसकी पत्तियों को भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।